आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये 5000 साल में जो नहीं हुआ है इस मुल्क में वो हो रहा है। शशम जमात में पढ़ती हूँ। मैं दापोड़ी में रहती हूँ। मेरे स्कूल का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बापोड़ी 79B है और मेरे अब्बा टायर पंचर का काम करते हैं। वो मुझे हर रोज़ स्कूल को छोड़ते हैं। इसमें चाहे पिन और टेस्ट में माउस और कीबोर्ड के पिन आती है। इस
सीरियल पोटेश में 9 पिन होते हैं, इसमें मॉडर्न की पिन लगती है। ये पैरेलल पोटेश में 25 पिन होते हैं, इसमें प्रिंटर की पिन लगती है। ये विजय पोटेश में इसमें 15 पिन होते हैं, इसमें मॉनिटर की पिन लगती है। विजय का फुल फॉर्म वीडियोग्राफी कर को हम रैम स्लॉट में अटैच करते हैं। यूएसबी पोर्ट, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बट ये इंटरनेट पोर्ट है। माइक्रोफोन लाइन अप लाइनिंग, ये रैम स्लॉट है, इसमें रैम लगता है। रैम का फुल फॉर्म रैम डैम एक्सेस मेमोरी। बैटरी का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, उसका काम है डाउन टाइम सेफ करना। अब मैं आपको बताऊंगी कि SMPS, मदरबोर्ड और पोर्ट्स ये क्या काम करते हैं। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, इट इज कन्वर्ट AC इनटू DC एंड इट इज आल्सो कन्वर्ट 230 वोल्टेज इनटू 512 वोल्टेज। इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर। मदरबोर्ड इज यूज टू कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड ऑल पेरिफेरल्स। इसका मतलब है कि ये जितने भी पेरिफेरल्स हैं, हार्ड डिस्क, SMPS, रैम, ये जितने भी हैं पेरिफेरल्स बोलते हैं, वो उनको उनका वजन संभालते हैं। जो साटा केबल है, साटा का फ्रॉम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये पाटा केबल है, पाटा का फ्रॉम पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये पोर्ट्स है, ये PSU पोर्ट है, पर्सनल सिस्टम टू। इसमें माउस और कीबोर्ड की पिन लगाई जाती है। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ये 230 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ये 24 पिन ATX कनेक्टर है। ATX का फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये मदरबोर्ड से जॉइंट रहता है। ये PCI स्लॉट है, PCI स्लॉट का फुल फॉर्म पैरेलल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये AGV स्लॉट है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। और बोलो मोबाइल के बारे में क्या क्या जानते हो? बेसिक जैसे मोबाइल में माइक और स्पीकर फिंगर क्या काम के लिए यूज होते हैं। माइक हम लोग काहे के लिए यूज करते हैं पता है? जब हम किसी को कॉल करते हैं अपनी आवाज माइक के जरिए सामने वाले को जाती है, बराबर। और स्पीकर के जरिए हमें सुनाई देती है। स्पीकर मीन्स ईयर पीस से हमें सुनाई देती है, बराबर। मल्टीमीटर का क्या यूज है? मल्टीमीटर हम जब बजर पे रखते हैं, ये बजर है, बजर पे रखते हैं। बजर पे क्या चेक करते हैं? रिंगर की कंटिन्यूटी, मोबाइल शॉर्ट है या नहीं है। माइक का ये काम है कि हम जब भी दूसरे को फोन लगाते हैं तो ये माइक है, तो इसमें अपनी आवाज कैप्चर होती है और दूसरे जिसको फोन करते हैं। कॉइल जब डिस्प्ले में लाइट आती है ना, तो कॉइल के थ्रू आती है। जिसको ऐसे खोलना है ओपनर से उसको खोलते हैं, फिर बाद में इसको ऐसे बाहर निकालेंगे।
name is Faisal Muhammad Rafiq Bagwan. My name is Ayman Ali Sayyad. My name is Ramiza Salim Khan. Mera naam Sheikh Salman Badruddin hai. I stay in Kashwadi Bhavani Pet. I live in Handewadi Road, Karepadal, Harapsar. I am living in Pune. Main Bhavani Pet mein rehta hu. I study in Pai Parwas Division in 9th standard. I study in Pai Parwas Division in 5th standard. My school name is Pai Parwas Division. I am in 5th standard. Main Anglo Urdu Boys Urdu Medium mein padhta hu. My mail ID is faisal.bagwan786@gmail.com. My mail ID is amansayed7@gmail.com. My mail ID is khan.ramizask@gmail.com. Mera email ID is school.salman123 hai. Occupation is tempo driver. My father is an agriculture scientist. My father is grocery shop worker. Mere abba hardware engineer hai. I can type 85 words per minute. माझे पूर्ण नाव खान सालेहा सलीम आहे. माझे नाव खान महक उस्मान आहे. माझे नाव लुकडे मोहम्मद निजाम महबूब आहे. मी 240 लोया नगर गंजपेठ पुणे मध्ये राहता. आम्ही काशावाडी मध्ये राहते. मी इंदिरा नगर गोल टेकडी मध्ये राहतात. माझी शाळेचे नाव पाय परवास डिव्हिजन इत्या 7वी आहे. माझे शाळेचे नाव एंगलोर दुगल्स आहे स्कूल आहे आणि मी 7वी मध्ये शिकते. माझ्या शाळेचे नाव पाय परवास डिव्हिजन आहे. माझे वडील किराणा दुकानात काम करतात. माझे वडील भाजी विक्रेता आहे. माझे वडील रिक्षा चालवतात. माझी ईमेल आय डी खान सलेहा सलीम 1212@gmail.com आहे. माझे ईमेल आय डी खान महक 976@gmail.com आहे. माझे ईमेल आय डी लुकडे मोहम्मद निजाम महबूब 7864@gmail.com आहे. In order to communicate with other countries, we should